नमस्कार, आप देख रहे हैं NI 24x7 न्यूज। मैं हूँ आपके साथ डिंपल रना। आज के दौर में लोग अंधविश्वास की ओर ज़्यादा दौड़ते नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त है या अगर आप पर कोई संकट मंडरा रहा है तो आप अंधविश्वास की ओर ज़्यादा दौड़ते नजर आते हैं, और ऐसे अंधविश्वास की ओर दौड़ते नजर आते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक ऐसे ही शख्स के बारे में आज आप सभी दर्शकों को बताऊंगी। इस शख्स का नाम है आमिर, जो कि उत्तर प्रदेश के गांव तुर्कीपुर थाना महुआ दरवाजा फरुखाबाद का रहने वाला है। इसका काम ही है जादू टोना टोटका करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनको बहलाना फुसलाना। आप सभी दर्शक जानते हैं आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं और बहुत सारे ऐसे बाबा रह चुके जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अगर हम आमिर की बात करें तो आमिर ने हाल ही में एक परिवार को टारगेट किया है और उस परिवार की औरत को ये गायब भी कर चुका है। औरत के पति ने इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन अभी तक पत्नी का कुछ पता नहीं चल पाया। औरत के पति ने बताया कि उसकी पत्नी बीमार थी और आमिर ने पता नहीं उसे जादू टोना टोटका की कैसी पट्टी पढ़ाई कि वो पत्नी उसके साथ जाने पर मजबूर हो गई। सभी दर्शकों को बता दें, औरत के 3 बच्चे जो वो अपने पति के पास छोड़कर चली गई। अब पति का कहना है कि बच्चे अपनी माँ के बिना कैसे रहे। अब आप सभी दर्शकों को बता दें, जो आमिर का परिवार है उसका पहले भी यही काम था और अभी भी यही काम कर रहा है, और आमिर ना जाने ऐसी कितनी ही घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अगर आमिर नहीं पकड़ा गया तो उसके गांव के लोग ना जाने कितनी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले आप सभी लोगों को समझना होगा कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त है तो आपको झाड़ा फूंक नहीं सही कर सकती, आपको जो है डॉक्टर ही सही कर सकते हैं या आपको जो है दवाइयाँ ही सही कर सकते हैं। लेकिन आज का अगर समय देखा जाए तो लोग अंधविश्वास की ओर दौड़ते नजर आते हैं, और इसका परिणाम जो है बहुत सारे परिवारों को भुगतना पड़ता है। अब ऐसे में आमिर का पता लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन जितने भी सारे सरकारी, अगर हम कार्यालय की बात करें, वो भी उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पर शिकायत दर्ज की है वहाँ से भी कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होगी। लेकिन शख्स जो है वो बहुत परेशान है अपने बच्चों को लेकर और पत्नी को लेकर, और वो गुहार लगा रहा है कि जल्दी से जल्दी उसकी पत्नी उसको मिल जाए और आमिर को जल्द से जल्द वो सलाखों के पीछे देखना चाहता है। और आप सभी दर्शकों से अपील करेंगे, ऐसी ही घटनाओं के चलते आप किसी भी बाबा के चक्कर में ना आए, क्योंकि आमिर जैसे जो लोग हैं वो सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसा लूटते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप अपने अंदर विश्वास पैदा करें ताकि आपको आमिर जैसे बाबाओं की ज़रूरत ना पड़े। ये लड़का जो है आमिर नाम का, तुर्कीपुर का है, फरुखाबाद जिला है, थाना भी फरुखाबाद पड़ता है, और इसकी रिश्तेदारी हमारे बसई गाँव में है। हमारी बीवी भी बसई की थी, हम बसई के रहने वाले हैं। हम रेडी चलाते हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं। हम गांव में रहते थे, हमारी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी बीवी लेकर आई थी, बोली मैं दिखा देती हूँ, मेरा भतीजा सब देख लेता है। उसने देखा उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, तो फिर उसने देखा, तो फिर हमने देखा कि हमारी बीवी को जो ऐसे ऐसे करने आता है, लोगों ने सूचना दी तो हम गए, तो हमने सोचा चलो हमने उनको समझाया, तो महफूज जो है उसका फूफा है और रूबी उसकी फुप्पो है। अगर हमने उनसे ज़्यादा कहा तो उन्होंने हमें धमकी दी मारने तोड़ने की कि ऐसा करोगे तो हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। मैं गरीब आदमी, मैं फिर गांव से अपने आ गया दिल्ली बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, फिर यहाँ तक उन्होंने पीछा किया मेरा। ये सद्दाम आमिर दोनों भाई हैं, उनके यहाँ उसका चचा काम करता था, लालू, लालमिया नाम है उसका, लालमिया, और ये भी काम करता था आमिर। मैं चला जाता था रेडी चलाने, पता नहीं कमरे पे जाता था, बच्चों को धमकियां देता था और मुझे भी, तो मैं सोचता था मारने तोड़ने की धमकी देते थे। इनका 4-5 लोगों का गैंग है, ये लोग यही काम करते हैं, और इसके बाप ने भी यही बोला था कि एक दो बार ऐसा काम कर चुका है, जहां कहीं भी मिले उसे जान से मार दो, ये बहुत बड़ा ढोंगी है, जादू टोने करता है, पता नहीं क्या करता है, और औरतों को लड़कियों को अगवा करके पता नहीं कहाँ भेज देता है, क्या करता है। बस मेरी सबसे यही गुजारिश है कि मेरी बीवी जहाँ कहीं भी हो, जो दोनों कहीं भी मिल जाएं, इसकी मुझे पूरी पूरी सूचना दें, या पुलिस थाने में किसी भी जगह हो, कहीं की भी पुलिस थाने हो, वहाँ सूचना दें इस चीज़ के लिए, ताकि ऐसा किसी और के साथ में ना हो सके, और ये पुलिस के हाथ आ जाएं। पुलिस के हाथ ना आए तो हमें सूचना दें, हम इन लोगों को गिरफ्तार कराएंगे, ताकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, माँ के लिए रो रहे हैं बच्चे, और इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा कि क्या है। मेरी बीवी की 38 से 36 साल की उम्र है, लड़के की 20 से 21 साल की उम्र है, जहाँ कहीं भी हो मुझे इस बात की सूचना दें और पुलिस थाने में सूचना दें, ताकि किसी और के साथ में ना हो। मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, मैं बहुत परेशान हूँ,
और मेरा माल जेवर जो भी था पैसा टका सारा लेके चली गई। मैं बहुत दुखी हो गया, मैं एक रुपये लाख नहीं, मैं क्या करूँ, मेरा तो कोई साथा भी देने वाला नहीं है।